हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई में इस साल जो पूछे गए थे, जो कुछ हाल ही में कुछ दिनों पहले जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये क्वेश्चन बेसिकली है हमारा फंक्शन से, ठीक है। और इसमें एक फंक्शन गिवन है हमारा, जिसका डोमेन भी आ रहा है और कोडोमेन भी आ रहा है। और इसमें पूछा है कि ये जो फंक्शन मेरा दिया हुआ है f(x)(4+3cos x), उसके बारे में पूछा कि ये फंक्शन कैसा होगा, 1-1 होगा, 1-2 होगा, या 1-1 होगा, 1-2 नहीं होगा, लेकिन 1-2 होगा लेकिन 1-1 नहीं होगा, और ना ही 1-1 होगा ना ही 1-2 होगा, इसी के बारे में पूछा है, ठीक है। यहाँ पे बाइजेक्टिव का मतलब ये दोनों होता है, ठीक है ना, 1-1 भी और 1-2 भी एक साथ, 1-1 एंड 1-2 बोथ, ओके। अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, दो तीन तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम तो 1-1 देखने के लिए हम या एक तो पहला हम डेफिनेशन यूज कर लेंगे, दूसरी बात हम कि इसमें हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, ग्राफ का एक कॉन्सेप्ट आता है उससे भी देख सकते हैं, या फिर इसके हम डेरिवेटिव निकाल कर भी देख सकते हैं कि 1-1 होगा कि नहीं होगा। तो चलिए हम पहले हम डेफिनेशन से करते हैं, फिर हम बाद में हम बाकी और दो तरीके के बारे में जानेंगे। तो 1-1 फंक्शन किसको कहते हैं, कि जब हम किसी डोमेन में से कोई दो अलग अलग पॉइंट जब चूज करते हैं, तो उस दोनों पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग दो अलग अलग डिफरेंट इमेजेस मिलने चाहिए थे, ठीक है। मतलब अगर दो पॉइंट अगर डिफरेंट है तो उनके इमेजेस भी डिफरेंट होंगे, पहला ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। या तो फिर इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि अगर दोनों का इमेज अगर सेम है, दोनों का इमेज सेम है, तो यहां से हम बोलेंगे कि वो दोनों पॉइंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, fx हमारा क्या दिया हुआ है, 4+3cos x, ठीक है। अब कोई भी डोमेन में से दो पॉइंट निकालेंगे, डोमेन मेरा क्या है, रियल नंबर है, और कोडोमेन मेरा क्या है, रियल नंबर है। अब जब हम डोमेन से हम कोई सा भी दो पॉइंट उठाते हैं, चलिए हम एक x=0 ले लेते हैं जो कि रियल नंबर में बिलोंग करता है, तो यहां से हम क्या करेंगे, f(0) निकालेंगे तो कितना दे देगा, 4+3, सर यहाँ पे कॉस एक्स था तो 3cos 0 हो जाएगा, तो यहां से 4+3 यानी कि कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि x की जब वैल्यू 0 रखे थे, f(0) कितना आया, 7 आया। और इसी तरीके से एक और वैल्यू अगर हम x=2π रखेंगे, जो कि ये भी रियल नंबर में बिलोंग करेगा, और यहां से f(2π) कितना आ जाएगा आपका, 4+3cos 2π, तो यानी कि यहां से भी cos 2π की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यानी 4+3 यहां से भी 7 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि f(0) और f(2π) की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम आई है, लेकिन क्या यहां से हम बोल सकते हैं कि 0 2π के बराबर है, ये तो नहीं बोल सकते हैं। तो मेरा जो सेकंड डेफिनेशन यही कहता है ना, कि दोनों पॉइंट का इमेजेस अगर सेम है तो वो दोनों पॉइंट भी सेम होने चाहिए, लेकिन हमें क्या मिला, दोनों पॉइंट का इमेजेस तो सेम है लेकिन वो दोनों पॉइंट सेम नहीं है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि f क्या है, f(0, 1, 1). ओके, तो ये आपको समझ में आएगा बाय डेफिनेशन से कैसे हम लोग 1-1 देख सकते हैं। अब अगर हम इसी की बात करें, तो ये 1-1 तो नहीं होगा, पहला बोला इसमें बोला है कि 1-1 2 दोनों होगा, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पे बोला 1-1 होगा तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे दो बचे, 1-1 1-2, 1-2 के बाद में देखेंगे, पहले हम 1-1 के बारे में और कैसे से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे क्या है फंक्शन, की f(x)=4+3cos x है। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ये यहां से उठता है और इस तरीके से जाता है, मूव करता है ना, तो ये कॉस का ग्राफ होता है। लेकिन जब हमारे पास 3 टाइम्स मल्टीपल है, तो ये तो कुछ श्रिंक होगा, मतलब ये थोड़ा सा और बढ़ेगा शायद, तो इसका ग्राफ हम एक रफ फिगर हम बना लेते हैं, तो वो कैसा बन जाएगा, और इसमें 4 ऐड भी करना है, तो मतलब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ ऊपर से उठेगा, ठीक है, और इस तरीके से जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस में, ओके। अब हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई सा भी अगर लाइन किसी भी ग्राफ में अगर हम कोई लाइन खींचते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस में, तो हमें यह पता होना चाहिए कि अगर एक सिर्फ एक बार ही ग्राफ को कट कर रहा है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, 1-1 होता है। अदरवाइज एक से अगर ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो यानी कि 1-1 नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने सारे पॉइंट पे इस ग्राफ को कट कर रहा है, बहुत सारे पॉइंट, आप कितना भी लाइन ले ले, यहां से बहुत
हर एक में दिख जाएगा कि आपको बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रहे, तो यहां से भी हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज नॉट वन वन, है ना, नॉट वन वन बाय ग्राफिकली। ओके, अब हम लोग ये तो ग्राफिकली पे मेथड पे हो गया, अब हम देख लेते हैं कि डेरिवेटिव मेथड से भी कैसे करेंगे कि ये फंक्शन वन वन कैसे होगा नहीं होगा, है ना। तो अब देख सकते हैं अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, फोर का जीरो ये थ्री हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाता है, माइनस का साइन एक्स, तो यानी कि हो गया माइनस थ्री साइन एक्स। अब माइनस थ्री साइन एक्स तो इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा आपका, पास तो जीरो से ही करेगा ये, यानी कि है ना। अब यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ना ही ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही ये डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये मेरा जो डोमेन है वो कहां से है, रियल नंबर से है, तो सारे आर के लिए तो हम फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर ये ना ही इंक्रीजिंग हो रहा है ना ही डिक्रीजिंग हो रहा है, ये तो यहां से यहां तक के लिए इंक्रीज करेगा, फिर आगे जाकर डिक्रीज करेगा, फिर यहां से यहां तक इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, तो ये ना ही इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें हम नहीं बता सकते। मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि अगर एफ डैश एक्स अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए तो हम कह सकते थे यहां से कि हमारा जो फंक्शन है वो वन वन होगा, लेकिन ऐसा तो बात आया नहीं इसमें। इसमें आया क्या कि ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिल रहा है ना ही इंक्रीजिंग मिल रहा है, इसमें दोनों केसेस आ जा रहे हैं, ठीक ना, कुछ इंटरवल के लिए इंक्रीज कर रहा है, कुछ इंटरवल के लिए डिक्रीज कर रहा है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन नहीं है। ओके, अब हम वन वन के बारे में हो गया, वन वन किसी भी सूरत में नहीं होगा, ठीक ना। आप यहां से डेरिवेटिव का केस चेक कर सकते हैं, बाय ग्राफ चेक कर सकते हैं या बाय डेफिनेशन भी लगा के देख सकते हैं, है ना। अब चलिए देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन कैसे होगा या ऑन टू फंक्शन कैसे नहीं होगा। ऑन टू के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली कि ऑन टू में होता क्या है, जो हमारा कोडोमेन है, ये जो हमारा कोडोमेन है वो क्या होना चाहिए, रेंज के इक्वल होना चाहिए, हाँ। अब हम लोग जानते हैं कि जो कॉस फंक्शन होता है उसका रेंज क्या होता है, माइनस वन से लेकर के वन तक होता है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इसको हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में कर सकते हैं, सही इनइक्वालिटी से पड़े हैं, और फिर हम क्या करेंगे फोर से एडिशन कर देंगे, तो ये मेरा फंक्शन बन जाएगा, ये मेरा फंक्शन बन जाएगा। अब यहां देखिए कितना हो गया वन, ये हो गया एफ एक्स और ये हो गया हमारा सेवन, तो एफ एक्स की रेंज कितनी होगी, वन से सेवन तक, मतलब जो हमारा ग्राफ बनाए थे हम यहां से, ये इतने में ही ये वन हो जाएगा और यहां से यहां तक सेवन हो जाएगा, तो मतलब ये जो ग्राफ है मेरा वन से सेवन तक, बाकी ये सारे पॉइंट्स तो बच गया ना जो हमारा रेंज में नहीं आया, यानी कि ये फंक्शन कैसा होगा, एफ इज नॉट ऑन टू। ओके, तो यहां से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑन टू बोला है तो ये भी गलत हो जाएगा, अब यहां पे बोला है कि नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन आपका अच्छा से क्लियर हो गया होगा, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।